Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well and this is your very own Mars Coder this side. So इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स और ये कोर्स और कोर्स की तरह नहीं होगा जो बीच में रुक जाए. ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर से लेके बिगिनर मीन्स कि आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि इंटरनेट एक्चुअली वर्क कैसे करता है. अभी तक आपको इंटरनेट के डेप्थ का ही नहीं पता, वहाँ से लेके एडवांस तक जाएगा. वट डू आई मीन बाई एडवांस? एडवांस मीन्स कि आप अपनी खुद की वेबसाइट्स विद अ प्रॉपर फ्रंट एंड विद अ प्रॉपर बैक एंड. जिन जिन लोगों को ये वर्ड नहीं पता कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, उनको लाइक इन डेप्थ पता चलेगा कि फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, बैक एंड कैसे बनाते हैं, दोनों कनेक्ट कैसे करते हैं एंड हाउ टू लैंड अ परफेक्ट वेबसाइट, राइट. और इसके इस जो यहाँ पे आप स्किल सीखोगे उसके बेसिस पे आप कई सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके उनको जीत सकते हो. यू कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल, राइट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अभी इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोड मैप कि हम क्या फॉलो करेंगे, हाउ वी विल फॉलो द फुल स्टैक डेवलपमेंट. ओके, फुल स्टैक डेवलपमेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें होती है इसमें. फर्स्ट थिंग इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ओके, फ्रंट एंड डेव. एंड द सेकेंड थिंग इज बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेव. ओके, दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड डेव एंड सेकेंड वन इज बैक एंड डेव. नाउ अभी के लिए बैक एंड डेव को एक मिनट के लिए हम भूल जाते हैं और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी फ्रंट एंड का ही बहुत सारा काम बचा हुआ है. एक बार आप फ्रंट एंड मास्टर कर लेते हो तो बैक एंड इज जस्ट अनदर थिंग, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा. बट फ्रंट एंड के बाद आप अपनी साइट्स को एक अच्छा लुक दे सकते हो. ओके, सो फ्रंट एंड होता क्या है? फ्रंट एंड इज द पार्ट द एंड यूजर सी, द एंड यूजर सी, एंड यूजर सी. जो आप वेबसाइट्स देखते हो, आप एक एंड यूजर हो, आपने किसी गूगल खोला तो आपको गूगल का इंटरफेस दिखता है जिसमें सर्च बार होता है और उसके ऊपर राइट में आइकन्स होते हैं, नीचे हिंदी इंग्लिश लिखा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका टाइटल होता है, उसकी इमेज होती है, तो उसको फ्रंट एंड कहते हैं जो कि यूजर देखता है. बट बैक एंड क्या होता है? बैक एंड उसका डेटा होता है. बैक एंड जो सारी प्रोसेसिंग वो पीछे कर रहा होगा जो आपको नहीं दिख रही है, राइट. जैसे आप सर्च करते हो कुछ, आप सर्च करते हो एप्पल, तो आप देखते हो कि एप्पल लिखने से पहले ही वो एल ई पूरा लिख देता है, राइट, ऑटो करेक्ट कर देता है. तो वो बैक एंड के अंदर से अपना डेटा उठाता है कि एप्पल लाइक आपने एप ए डबल पी लिखा है तो वो एल ई अपने आप से कैसे जोड़ पा रहे हैं, वो उसका डेटा है जो वो लाइक सर्च कर पा रहा है यूजिंग ए आई, यूजिंग अनदर टेक्निक, राइट. अभी वो कंसर्न नहीं, अभी हमारा ये कंसर्न है कि फुल स्टैक को कैसे सीखे, राइट. तो फ्रंट एंड डेव इज द पार्ट यू आर एबल टू सी. सो आप अगर आपको फ्रंट एंड अच्छा आता है तो आप अपने वेबसाइट को ब्यूटीफाई कर सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो कि लाइक यूजर को फंक्शनैलिटीज दे सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनैलिटीज, राइट. तो डिजाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेव. कैसे आप एक डिजाइन को उसको एक जो डिजाइन जो किसी ने पेन पेपर पे बना दिया फिर ड्रैग एंड ड्रॉप से बना दिया, आप उसको कोड के थ्रू कैसे एक वेबसाइट के अंदर फॉर्मुलेट करोगे, राइट. ओके, सो इसके अंदर हमारा क्या होगा, मैं इसका फ्रंट एंड डेव का एक बार आपको रोड मैप दे देता हूँ, राइट. उसके बाद हम इसको सीखना चालू करेंगे. सो पहले हम इसमें सीखेंगे इंटरनेट कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट वर्किंग. दिस विल बी अ फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी अ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज हम सीखेंगे HTML के बारे में. नाउ HTML क्या होती है? HTML लाइक इफ यू कंसिडर ह्यूमन बॉडी, सो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मीट एंड फ्लैश, राइट, मीट फ्लैश एक्सेट्रा. उसके ऊपर हम क्लोथ पहनते हैं टू ड्रेस वेल एज, राइट, राइट. सो बोन्स द जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो बोन्स प्रोवाइड करती है हमको, राइट. तो जो हमारी बॉडी कैसे दिखेगी, यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, यू आर फैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बोन्स दिखाती है हमको. तो HTML वही स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से हड्डियों का ढांचा जिसको कह दें. तो HTML जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी है वो HTML है. सेकंड थर्ड पार्ट जो आता है हमारा CSS. CSS क्या होता है? अब जैसे उस बॉडी लाइक कंकाल को कौन देखे खुश होता है, बट कंकाल के ऊपर जब लाइक फ्लैश आ जाता है उसके ऊपर लाइक एक परफेक्ट बॉडी आ जाती है तो उसको CSS कहते हैं. लाइक उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है, लाइक एक वेब पेज आपने देखा होगा, आप बोलते हैं ना वेबसाइट की बहुत ज्यादा ये वेबसाइट इतनी सुंदर नहीं लग रही है, फिर ये वेबसाइट इतनी एडवांस नहीं लग रही, ऑन द बेसिस ऑफ CSS ही कहते हो आप. ओके, तो हम पहले HTML सीखेंगे कि आपने एक बॉडी खड़ी कर दी CSS की, उसका बॉडी को कपड़े पहना दिए, फॉलोड बाय उसके बाद हम सीखेंगे JavaScript. व्हाट इज JavaScript नाउ? तो JavaScript इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ द बॉडी. अभी वो बॉडी के अंदर ब्रेन नहीं था, वो चल फिर नहीं रही थी, वो खड़ी हुई थी, जो कि हम कहते हैं स्टैटिक वेब पेजेस. मतलब इन दोनों की इन दोनों की मदद से आप स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हो जो कि इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं बट उसका तो ट्रैक नहीं कर सकते, आप कहीं पे क्लिक करके कुछ कर नहीं सकते, राइट. तो इनको हम स्टैटिक वेब पेजेस में काउंट करते हैं. फोर्थ JavaScript. JavaScript उसमें ब्रेन दे देते हैं कि अब आपकी बॉडी से चल पा रही है वैसे ही आपकी वेबसाइट चल पा रही है, आप कुछ टास्क उसको बोल रहे हो तो वो कर पा रही है, इसके लिए उसका कोड लिखा गया है, राइट. JavaScript के बाद हम सीखेंगे अबाउट द वर्जन कंट्रोल. वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल इज नथिंग बट स्टोरिंग योर कोड
into some place, storing your code into some place, storing the code, storing the code, so that वो आप किसी को दिखा सको, या फिर एक आप इतना बड़ा कोड बेस अपने लैपटॉप में कैरी नहीं कर सकते, तो आप उसको अपलोड करके रखते हो कहीं पर, वहीं से लोड उतना ही लोड करते हो जितना आपको जरूरत है, राइट? सपोज यू हैव 100 फाइल्स बट यू हैव टू डू अमेंडमेंट इन ओनली 2 फाइल्स, राइट? तो आप 100 फाइल्स अपने लैपटॉप में रख के अपने लैपटॉप की मेमोरी एक्सेट्रा तो खराब नहीं करोगे ना, तो आप उसको कहीं पर अपलोड करके लाइक एज अ डेटा बेस आप उसको रख लोगे, और उसके बाद आपको 2 फाइल्स चाहिए, उसमें से 2 ही फाइल्स निकालोगे, आप उसके अंदर काम करोगे, आप उसके अंदर फिर से चेंज करके डाल दोगे, राइट? तो दिस इज नोन एज वर्जन कंट्रोल. Sixth part of this is hosting. Hosting क्या होती है कि बहुत बार होता होगा कि आप कोई वेबसाइट देख रहे हो, आपके फ्रेंड बोलते हैं मेरे को वेबसाइट का लिंक भेज दे, तो क्या करता है उसका लिंक भेजते हो, राइट? आप उसका लिंक भेजते हो, बट एक्चुअल में तो वेबसाइट तो पूरे कोड से बनती है, आप उसको कोड क्यों नहीं भेजते कि भाई मैंने तेरे को कोड भेज दिया तो उसको चला ले और उसके बाद तेरे को वेबसाइट दिख जाएगी, नहीं ना, आप उसका लिंक भेजते हो. That link is because of the hosting. इस कोड को होस्टिंग के जरिए एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर दे, जिस वेबसाइट का एक एड्रेस है लिंक, और आप उस लिंक को भेजते हो, तब उसके बारे में सीखेंगे कि आपने वेबसाइट तो बना ली है, वो आपके कंप्यूटर पे तो दिख रही है, बट उसको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो किसी को भी दिख सके, आप उसको शेयर करो, आप उसको दिखा सको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने रेज्यूमे में डालने के लिए कि हाँ मैंने डिप्लॉय कर रखी है, मैंने होस्ट कर रखी है. मूविंग ऑन, उसके बाद हम सीखेंगे अबाउट द पैकेज मैनेजर्स. इसको मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, राइट? पैकेज मैनेजर्स लाइक npm, इसके डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे कि क्या होता है, ओके? इसके बाद हम React.js के बारे में सीखेंगे, जो कि एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, राइट? मतलब अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जान चुके हो तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, बट उस टास्क को इजी करने के लिए और मोर एफिशिएंट करने के लिए आगे वाले स्टेप्स आ गए हैं, जैसे React.js. React.js के बाद आपने CSS सीख लिया, अब CSS का भी एक फ्रेमवर्क होता है, इसको हम कहते हैं Tailwind CSS, राइट? Tailwind CSS उसको सीखेंगे, जिससे आपकी CSS राइटिंग बहुत ईजी और बहुत फास्ट हो जाएगी. आप जो CSS पहले 1 घंटे में लिख पा रहे थे उसको 10 मिनट में लिख पाओगे, ओके? उसके बाद आपका फ्रंट एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर एक दो चीजें बचेगी तो मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा. सो आफ्टर दीज 9 स्टेप्स, विच आर वेरी स्मॉल स्टेप्स, ओनली सम स्टेप्स लाइक React.js इज गोना टेक सम टाइम, आपकी फ्रंट एंड पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आप हैकाथॉन रेडी तो हो ही जाओगे कि आप अपना एक अच्छा सा फ्रंट एंड बना के आप उसको दिखा सको, राइट? हाँ, डिजाइनिंग स्किल्स आर समथिंग दैट यू विल डेवलप ओवर टाइम, बट अगर आपका डिजाइनिंग स्किल्स ऑलरेडी ब्रश्ड अप है तो आप इन 9 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद बहुत अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, आप हैकाथॉन्स के अंदर अच्छा डिजाइन बना के जीत भी सकते हो, राइट? दीज आर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट. बैक एंड डेवलपमेंट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी अपना जब अपना फ्रंट एंड डेव कंप्लीट कर ले, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. सो मेक श्योर टू मूव स्टेप बाय स्टेप, डोंट हसल बसल एंड यू विल विन इट एवरी कॉस्ट, राइट? ओके, सो आई होप यू आर लाइक द वीडियो एंड यू विल कंटिन्यू विद मी ऑन द सीरीज. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, make sure to subscribe the channel to never miss out an amazing video, right? Okay, thank you. Have a nice day.